यहाँ कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और माशाल्लाह अच्छे भी होंगे और माशाल्लाह सेहतमंद भी होंगे, और अगर नहीं है तो अल्लाह पाक आपको सेहतमंद करे। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, और आज है 12 रबीउल अव्वल। तो आज सब लोग 12 रबीउल मना रहे हैं, बहुत खुशियों का दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है आज। तो हर घर में नियाज का सिलसिला जारी है और सारी है, तो हमारे घर में भी नियाज का सिलसिला जारी है और सारी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा नियाज का सीन, जो कि नियाज बन चुकी है। मैं उठाऊँ थोड़ा सा लेट, क्योंकि रात भर जाग रहा था, और रात जो थी वो बहुत ही किस्मत वाली रात थी, मतलब जो गुजर चुकी है, जो इबादत वाली रात थी, और फजर का वक्त था जो मेरे आका तशरीफ़ लेकर आए। और बस मतलब ये तो कहानी ही, मतलब कहानी नहीं, ये तो हकीकत है, जो मतलब बयान करूँ मैं तो ये नहीं हो पाएगी मुझसे भाई, ठीक है। तो सरकार की आमद मरहबा, और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जाएंगे बाहर, तो देखते हैं बाहर में मतलब क्या सीन हो रहा है, और इतने सारे जुलूस जा रहे हैं, नियाज जा रही है और सारी है, और अजान शान भी रेडी हो गए हैं, उनके साथ में जाऊंगा बाहर। जुलूस बहुत जा रहे हैं, बहुत सारे जा रहे हैं जुलूस, सरकार की आमद का रश लगा हुआ है बाहर भाई। तो आमद ही कुछ ऐसी है ना भाई, आम बंदे की बर्थडे नहीं है ये, आम बंदे की बर्थडे नहीं है ये, सरकार की आमद है, सरकार की बर्थडे है, और सरकार का दिन है, और सर मतलब दुरूद पाक भेजते रहें उन पर। आम दिन में भी दुरूद पाक भेजते रहिया करें आप लोग, बड़ा नहीं छोटा ही सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक बहुत ही रहमत वाला है, बल्कि आपका नाम तो रहमत ही है, आप खुद रहमत हैं यार। मतलब कितनी शान बयान करें तो मेरे लफ्ज़ नहीं है मेरे पास ना। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, अभी चलते हैं बाहर, देखते क्या हो रहा है बाहर से, ठीक है। कैसे आप सब लोग आए? हमने हलवा बनाया, आके खाए नियाज का, और बिरयानी भी बन रही है, दम पे लगी हुई है, और जिनके नाम की नियाज है वो लोग खुद ही दे दिए आएंगे। बस उनके नाम की नियत थी रात से कि हलवा बनाएंगे और बांटेंगे, और आज के दिन भी लाइट गई, और आज के दिन भी रात में भी दो बार लाइट गई है, और अभी भी सुबह से तीसरी बार लाइट गई। क्या कह रहे हैं हुकूमत का? हेलो, रबी अव्वल मुबारक हो। मुबारक हो रबी अव्वल। क्या नाम है इसका? मरियम। आओ ये खा लो। क्या है? मैंने हलवा, हलवा खाओ, हलवा खा लो, आओ हलवा खा लो। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान वो कौन है? शुरू कर रहा हूँ हमजा का यहाँ पे, ये मैं ऐसे क्योंकि मिलने आया हमजा मेरा भाई। आज है 12 रबी अव्वल, तो 12 रबी अव्वल का दिन मनाया जा रहा है हर जगह पूरे कराची में ज़ोरों शोर से, और हमजा आज फ्री था, तो हमजा ने सोचा कि आज वो मुझसे मिलने आता, तो हमजा भाई ये रहे। हेलो भाई। मेरे साथ नुमान भाई ये रहे। गुड मॉर्निंग। ये तो खाने में बिजी है, देखो पता है नुमान वालों खाने में बिजी होता है हर वक्त। ये छोटे छोटे दो मदनी मुन्ने भाई, ये मदनी मुन्ने बड़े कड़क मुन्ने, ये पूरा व्लॉग बना देते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं, हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, पूरा व्लॉग बना देते हैं, हेलो गाइस क्या हाल है। तो भाई अभी हम लोग आए हैं चाय के होटल पे, चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय तो आपको पता है ज़रूरी है, क्योंकि सर फट रहा होता है, हम लोग काम माशाल्लाह बहुत करते हैं, हमजा भाई भी, हम सब लोग, तो चाय ज़रूरी है। तो अभी शुगर मेला थोड़ा चलता रहेगा साथ में। हमजा भाई कैसा दिन जा रहा है आज का? अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत अच्छा जा रहा हूँ, हर तरफ ना खुशी ही खुशी है माशाल्लाह, दिन भी तो ऐसा ही है यार।
बरकतों वाला, रहमत वाला। तो आज मैं अली के पास आया मिलने, और आज है संडे का दिन, और संडे मतलब 12 रबी अव्वल भी है, तो मैंने बोला यार अली के पास चलते हैं, दोनों ही फ्री होंगे, और अली मुझे घर पे मिल गया आज। मैं सो रहा था, सो के उठा था और मैंने नाश्ता ही किया था, और मैं सोच रहा था कि चलो मैं बाहर जाता हूँ आज, मतलब 12 रबी अव्वल का दिन है तो सब बाहर निकले होंगे, घूम फिर रहे होंगे, और तो मैंने सोचा कि मैं भी बाहर जाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमजा मेरे पास आ गया, और ये बहुत अच्छा किया इसने कि मेरे पास आ गया, काफ़ी टाइम हो गया था, हम मिले नहीं थे, और अब साथ बैठे हम लोग। चाय वाय फिर मिलते हैं, फिर चाय वाय आ जाए, फिर मिलते हैं। हाँ चाय आ जाए, हमारा मिस्टर फैजू लेके चाय आएगा, जो इंडिया में होता है ना टिकटॉकर, वो हमारा यहाँ पे चाय लेकर आता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मिस्टर फैजू में मिलता है। अगर वो भी आएगा चाय लेके, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ही बंदा है, और आप खुद भी कमेंट्स में बताना कि हाँ वो बिल्कुल फैजू में मिलता है। तो आप चाय मिल आ जाए, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, पूरे रेडी हुए हैं भाई, मदनी मुन्ने और मदनी मुन्निया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ऋषा, कैसी हो तुम? ठीक हो? तो भाई ये लोग तो जा रहे हैं अभी रोड पर, क्योंकि रोड पर निकल रहे हैं जुलूस वगैरह, और वहाँ पर लंगर का भी एहतमाम है ना, तो मतलब सारे लोग वहीं पर ही जा रहे हैं अभी, तो ये लोग भी वहीं जा रहे हैं मतलब जुलूस देखने ना, कि कितनी आवाम आई भी अभी। वाले भाई तो खाने में मसरूफ लगे पड़े भाई, हमारी अभी संगत अभी आई नहीं है, क्योंकि रात का वक्त नहीं है, सब लोग अभी काम पे होंगे। फैजू भाई अभी आ जाएंगे, अभी आए हैं हमारे मतलब संगत का एक और आदमी आ गया, आदमी नहीं मतलब लड़का नहीं, शादीशुदा भी नहीं उसका नाम है दानियल खानदानी। तो दानियल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है। तो क्या दिन वाले? आज हम होटल पे बैठे हैं, होटल पे बैठे अभी बिरयानी सामने लंगर हो रहा है, फौरन से जज्बात चेंज हो गए भाई, अभी भी वक्त है, वहाँ चलो, चिकन बिरयानी मिल जाएगी, टाटू प्लस भी देख लो। अरे तो फैंस का क्या करें अब? मतलब नहीं है भाई, पेट पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है भाई, जो पेट है ना, पेट के लिए बहुत। वालों को, वालों मुझे क्या बोल रहा है, अभी ये वीडियोस को बुला ले मेरे वालों को, मैंने कहा पीछे रक्षे में देख, वालों ने कहा बोलो भाग जा, बोला पेट और पेट का शौक था तेरे को। ओए यार ये सीन हो गया, बिरयानी का कोई फिरका नहीं होता, जहाँ मिले वहीं मोड़ दो, चलने वाला काम है। वो पता है क्या भाई, वो बोल रहे हैं आप वहाँ पर, ये जो लंगर है ना, कह रहा यार आपको हम अलग से देंगे, कह रहा मजा नहीं आएगा, लंगर का जो असल मजा आता है ना, लूट के खाओ, लंगर को लंगर की तरीके से खाओ। वालो दो, वालो मेरी बात सुन, दो इधर बैठेंगे, दो उधर बैठेंगे, तू उधर से रन पास करो, मैं इधर चेस पास करूंगा तेरे को। भाई देखो असल सीन ये है, अगर अभी पेट दिल कर रहा है खाने का बिरयानी और लंगर फुल बिरयानी 109 में पोए हो बिल्डिंग पे छोड़ता है, फिर जाने लगता है, लड़की रुकती है, लड़की पूछती है एक मिनट रुको तुम कौन हो, वो एकदम से पीछे मुड़ जाता है, पोए वो ऐसे करती है, स्पाइडरमैन बोलता है चुकी है, जिसके लिए हम लोगों ने इतने इतना वो किया, मतलब मेहनत की, पापड़ वेले अली फाइनली मिल गई भाई। ये लंगर खाना सुन्नत है, और इसमें बंदा देखता नहीं कितना फेमस है ये वो, मैं देख लूँ अब पब्लिक के बीच में खड़े हो गए हम लोग लंगर खा रहे हैं, क्योंकि ये बचपन की हमें याद आ जाती है, जो याद है जब भी 12 रबी आता, जैसा दिन इतना मुबारक दिन आता था, तो हम लोग सब दोस्त मिलके निकलते थे लंगर खाने के लिए, पापड़ लूटने के लिए, तो एक बचपन की याद आ जाती है, बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं लंगर खा रहे हैं अभी खड़े। फिरका वगैरह कोई नहीं देखो, बिरयानी देखो तो भाई बिरयानी फाइनली आ गई है हमारे पास, और बालो वहाँ ही बैठा है होटल पर। वेलकम बैक गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से, अली के पास से हम लोग आ गए हैं अभी घर पर, तो बस अभी घर पर आए हम लोग, खाना वाना खाएंगे, बल्कि वहाँ से लंगर हम लोगों ने खाया था, नियाज खाई थी हम लोगों ने, तो मैं घर पर आया हूँ, तो माशाल्लाह अम्मी रेडी हो गई हैं, तो क्योंकि पूरा दिन तो गुजर चुका है,
अम्मी अब पूरे दिन में जाके अब तुम रेडी हो तो फिर काम कौन करता, काम भी तो करना जरूरी था। हाँ ये बात भी सही है यार, काम कौन करता। फिर अम्मी ने बिरयानी बनाई आज, अम्मी ने न्याज बनाई, हलवा बनाया, तो वो भी हम लोगों ने सबको बांट दिया। तो बाहर आपने देखा क्या क्या सीन हो गया है, क्या सीन हो गया, क्या कर रहे हो, मतलब कितना रश था, जलूस जा रहे थे, शरबत है, लंगर, ऐसा मतलब मज़ा आ रहा था ना बाहर, इतनी आवाम निकली हुई है। तो यार वाकई आज का दिन तो बहुत ही अच्छा दिन था, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक। तो अभी हम लोग मतलब घर से मैं निकला हूँ अम्मी को लेकर साथ ना, तो बहन के आया था, आपको पता है इस खुशी में बहन के घर जाते हैं, और मुझे आज टाइम मिला तो वो शिकायत कर रही थी कि तू इतने दिनों बाद आया, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा था, मैं थोड़ा कामों में बिजी था, और आपको तो पता है मैं कहाँ बिजी था। तो अभी मैं आपको एक मेहमान से मिलवाता हूँ, उसका नाम भी डिसाइड कर लिया है माशाल्लाह, जो मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। रोना नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी रोना नहीं भाई, हाँ बिल्कुल भी रोना नहीं, बिल्कुल भी लोगों तो सही, बिल्कुल भी रोना आई नहीं, रोना नहीं है, रोना बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या पहने, ये क्या होता है, मंजोली का बन गया, मंजोली का। अम्मी अपना सूट दिखा रही है अभी, कैसा मामा से, अम्मी ने समामा मॉल से लिया है, ये बहुत ही महंगा था और बहुत ही VIP टेलर से अम्मी ने सिलवाया है, और बहुत अच्छी लग रही थी अम्मी आज। हाँ माँ अच्छा लग रहे मेरे कपड़े, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करें, वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग अभी घर पर आ चुके हैं, क्योंकि मैं गया था बहन के घर पे, तो वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और इतना अंधेरा कि मैंने सोचा यार ये व्लॉग बनाऊं कि क्या करूं, क्योंकि चेहरे ही नजर नहीं आ रहे माशाल्लाह। एक तो आपका भाई इतना काला होता जा रहा है दिन ब दिन, पता नहीं क्या हो रहा है, और अंधेरे में तो वैसे नजर नहीं आता, भले मेरा फ्लैश जले या कुछ भी जले, तीन चार लाइट और भी लेकर आ जाओ तो मेरा फेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, पता नहीं है क्या सीन हो रहा है यार। हालांकि मैं घर में होता हूँ, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ, थोड़ा काम से जाता हूँ उसके बाद घर आ जाता हूँ, इतना मैं धूप में भी नहीं फिरता, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है यार ये, शायद टेंशन आपको खा जाती है, क्योंकि मेरी वीडियोज़ पे लाइक नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे और व्यूज़ नहीं आ रहे, यही टेंशन है और कुछ भी टेंशन नहीं है भाई को। हाँ तो भाई को सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, तो इस वक्त ही हम लोग इस व्लॉग का करेंगे एंड। तो 12 रबी अव्वल सबको मुबारक हो, और आज का दिन कैसा गुजरा ये तो आपको पता ही है, और कल का दिन कैसा गुजरने वाला है ये आपको नहीं पता, क्योंकि वो कल ही आपको दिखाऊंगा मैं, तो अभी मुझे भी नहीं पता ही है। तो वैसे हमारा एक काम, एक दो काम आए, तो उसमें कौन कौन सेलिब्रिटीज़ होंगे मैं उनसे भी मिलवाऊँगा, और कौन कौन टिकटॉकर्स, कौन कौन व्लॉगर, कौन कौन यूट्यूबर होंगे मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा, पर दो दिन बाद, तो क्योंकि दो दिन बाद वो काम है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी व्लॉग का करते हम एंड। तो जब तक के लिए अदान, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देगा ईशान, लाइक भाजी, लाइक कमेंट शेयर, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हाँ, और यार नेहा व्लॉग को भी सपोर्ट करें, क्योंकि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना उनके चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब ठोक दो, ये जो लाल वाला बटन है ना वो दबा दो बस। नेहा नेहा अली 18 क्या, नेहा अली, नेहा अली 18 चैनल का नाम है, चैनल का नाम है, चलो भाई नेहा अली 18 मतलब 18, नेहा अली 18 जो लिखोगे आप तो वो फट से करके ठक से आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, तो आपने भी फिर ठक से दबा देना है लाल वाला बटन, तो लाइक भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना, तो ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाला साल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो भाई को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।